अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टे मीठे मेमनी आलू। मेरी रेसिपी की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। ये मैं 2 से 3 लोगों के लिए बना रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 500 ग्राम जितने बेबी पोटैटोज़ लिए हुए थे, इसको मैंने बॉईल कर लिया, नमक डाल के, थोड़े से हार्ड बॉयल है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, और इसको मैंने छील के हाफ पीसेस में कट कर लिया इस तरह से। इसके अंदर मसाला जाएगा, उसके लिए हमें चाहिए इमली का पल्प। मैंने तकरीबन 1/4 कप जितना इमली का पल्प लिया हुआ है, 4 टेबलस्पून जितना इमली का पल्प है। इसमें आपको जितना गुड़ चाहिए उतना मिलाए, या शुगर मिलानी हो शुगर मिलाए, मगर गुड़ का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे पास पाउडर गुड़ है तो मैं इसके अंदर मेरे टेस्ट के हिसाब से मिलाऊंगी। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में मैं इसकी क्वान्टिटी लिख दूंगी कि कितना इसके अंदर गुड़ जाएगा। धनिया जीरा पाउडर रोस्टेड है मेरे पास, 1/4 टीस्पून ईच। लाल मिर्चों का पाउडर मैंने लिया हुआ है 1 टीस्पून एंड 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून जितना लाल मिर्चों का पाउडर है। अपने टेस्ट के हिसाब से ले, आपको जितना तीखा चाहिए उतना। कश्मीरी चिली पाउडर मैंने 1/4 टीस्पून लिया हुआ है। हल्दी 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून जितने मैंने अभी फ्रेशली क्रश किए हैं। ये लौंग, तकरीबन 3 लौंग थे, इसको मैंने पीस लिया तो ये अच्छा सा पाउडर हो गया है, फ्रेशली किया हुआ है 3 लौंग को, तो ये 1/4 टीस्पून जितना हो गया। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से 1/2 टीस्पून ईच। साबुत जीरा और राई, हरा धनिया जाएगा इसमें आपको जितना चाहिए उतना। मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना लिया है। 5 से 6 पत्ते करी पत्ते के। एक बुलेट चिली को बारीक सा स्लाइस में कट कर लिया है मैंने। सबसे पहले मैं इसके अंदर इमली के अंदर गुड़ डाल दूंगी, और इसका जितना मुझे मीठा चाहिए उतना मैं मिक्स करके रेडी कर लूँगी। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ले लिया, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, 3-4 टेबलस्पून जितना। इसके अंदर मिलाएंगे, ये गरम हो चुका है, राई और ज़ीरा। राई ज़ीरा होने के बाद इसमें हम डाल देंगे करी पत्ते। करी पत्ते होने के बाद इसमें हम डाल देंगे इमली और जो हमने गुड़ का मिक्सचर बनाया हुआ था वो, इसको हम पकाएंगे, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक और लौंग का पाउडर। इसको मैंने 30 सेकंड तक पकाया। इसमें मैं डाल दूंगी सारे पाउडर मसाले, जिसमें है धनिया जीरा, लाल मिर्चों का पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर और हल्दी। इसको भी हम हल्का सा भूनेंगे तकरीबन 30-40 सेकंड तक। ये मिक्स हो गया, हल्का हल्का भुन चुका है, अच्छा सा जैसे पेस्ट फॉर्म में आ रहा है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये हमारी मिर्चें, और साथ ही हम डाल देंगे आलू बॉईल किए हुए। इसको मिक्स करके हम पका लेंगे थोड़ा सा, ताकि इसमें अच्छी सी कोटिंग आ जाए। आलू अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब मैं इसको कवर कर लूँगी तकरीबन बिल्कुल हल्की फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक, ताकि इसके अंदर सारा मसाला आलू सोक कर ले और इसके अंदर भी फ्लेवर अच्छे से आ जाए। ये देखिए हमारे आलू हो चुके हैं, मैंने तकरीबन 2 मिनट तक इसको हल्की फ्लेम पे रखा था। अब मैं इसमें डाल दूँगी लेमन। अगर आपकी इमली ज़्यादा खट्टी है तो आप लेमन नहीं मिलाएं, अगर इमली ज़्यादा खट्टी नहीं है तो लेमन मिलाएं। इसमें डालेंगे हम धनिया और इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये डिश आउट के लिए रेडी है। इसमें नमक आप टेस्ट कर ले, सही हो तो ठीक, वरना थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पे। ये रेडी है अब डिश आउट के लिए। ये रेडी हमारे खट्टे मीठे मेमनी आलू। आई होप आप ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर से पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।